मोटे अनाज की वैश्विक मान्यता पर G20 देशों का समर्थन, बोले जलवायु के अनुकूल है मिलेट्स। पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज को वैश्विक मान्यता देने पर G20 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन मिला है। कृषि विशेषज्ञों ने कहा कि मोटे अनाज जलवायु के अनुकूल है, वैश्विक स्तर पर शोध किया जा सकता है। अनाज वैश्विक खाद्य संकट को दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं, इनकी उत्पादन क्षमता अच्छी होती है। G20 देशों के कृषि वैज्ञानिक की 3 दिवसीय 17, 18 और 19 अप्रैल बैठक के दूसरे दिन किसानों की आय बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। कहा गया कि फसल व खाद्य की क्षति कम की जानी चाहिए, इसमें डिजिटल कृषि तकनीक मददगार साबित हो सकती है। पारिवारिक खेती को भी बढ़ावा देना होगा, एग्रीटेक स्टार्टअप व इकोसिस्टम को मजबूत बनाने की जरूरत है। भूमि की उर्वरा शक्ति को मजबूत बनाने की दिशा में काम करना है, प्रयोगशाला की मदद से शोध को आगे बढ़ाना है। वैश्विक सहयोग से ही कृषि चुनौतियों से निजात पाया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों ने महर्षि अभियान की सराहना की है, उनका कहना है कि मोटा व प्राचीन अनाज पोषक तत्वों से भरपूर है। कम क्षेत्रफल में फसलों की ज्यादा पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इससे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक की अध्यक्षता में डिजिटल कृषि तकनीक को बढ़ावा देने पर बात हुई। इसमें G20 देशों के 80 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में विशेष आमंत्रित सदस्यों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी राय दी है। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय बैठक चुनौतियों से मिलकर निपटेंगे। G20 सम्मेलन के दौरान मंगलवार को भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। इसमें दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन, फसल विविधीकरण, मिट्टी जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती और बायो फोर्टिफाइड फसलों से संबंधित मामलों में एक दूसरे का सहयोग करने पर प्रतिबद्धता जताई है। भारत की ओर से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक और राष्ट्रीय कृषि खाद्य एवं पर्यावरण अनुसंधान स्थान फ्रांस के अध्यक्ष फिलिप माउगिन ने बैठक में हिस्सा लिया। खुलेंगी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ईडी के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र के महानिदेशक जीन बेली ने सार्वजनिक निजी कृषि अनुसंधान एवं विकास पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से आए बुद्धिजीवी कृषि वैज्ञानिकों के विचारों से प्रभावित हैं। इससे कृषि अनुसंधान व कृषि वैज्ञानिक की नई राह खुलेंगी, कृषि से जुड़ी चुनौतियों का समाधान होगा, सार्वजनिक और निजी भागीदारी भी तय हो जाएगी। G20 देशों के सम्मेलन का समापन बुधवार को होगा। इसमें कृषि वैज्ञानिक खाद्य संकट और उसकी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद सदस्य देशों के प्रतिनिधि बड़ा लालपुर स्थित हस्तकला संकुल जाएंगे, हस्तकला संकुल के बारे में जानकारी लेंगे।